if you like and enjoy the latest updates from my channel. Hi friends, आप देख रहे हैं technical info और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी भी ऐप को या एप्लीकेशन को परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो उसे हम परमानेंटली डिलीट कैसे करेंगे. ठीक है, अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरी वीडियोज़ को. अगर ज़्यादातर हम क्या करते हैं, किसी ऐप को हमें डिलीट करना होता है तो हम यहाँ से, अगर हमें पता नहीं होता तो हम यहाँ से क्या करते हैं, बस डिलीट पर क्लिक करते हैं और इसे डिलीट करते हैं. ठीक है, तो वो हमारे साथ परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, सिर्फ स्क्रीन से चला जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस ऐप को डिलीट करती हूँ. ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया तो ये तो डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ हमारी स्क्रीन से चला गया. अगर यहाँ से सर्च में मैं इसे सर्च करती हूँ तो ये वापस हमारे साथ आ गया. ठीक है, ओपन भी हो पा रहा है क्योंकि ये तो डिलीट नहीं हुआ, हमारे पीसी में ये मौजूद है. तो हम क्या करते हैं, इसे परमानेंटली डिलीट करने के लिए हमें जाना होगा कंट्रोल पैनल में, और कंट्रोल पैनल में यहाँ से प्रोग्राम्स, यहाँ से अनइंस्टॉल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे. ठीक है, ये हमारे जो भी प्रोग्राम्स है, एप्लीकेशन है, वो हमारे साथ यहाँ पर आ गए. और इसे अगर अब हम डिलीट करना चाहते हैं किसी भी ऐप को, वो ऐप भी यहाँ पर मौजूद होगा जिसे मैंने अभी डिलीट किया. ठीक है, तो यहाँ से ये रहा वो ऐप जो हमने डिलीट किया. इसे मैं परमानेंटली डिलीट करती हूँ तो यहाँ से अनइंस्टॉल पर क्लिक करूँगी और यहाँ से हमें परमिशन देना होगा. इसे परमिशन देने के बाद यहाँ से हम यस करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और ये थोड़ा सा टाइम लेगा. ठीक है, अनइंस्टॉल होने के लिए, और ये जो है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा. ठीक है, और वो ऐप हमारा यहाँ से चला गया. ठीक है, अनइंस्टॉल हो गया. अगर अब आप सर्च में से सर्च करेंगे तो ये नहीं आएगा. ठीक है, अब ये नहीं आ रहा. तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना. थैंक यू.